तो आज सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ हमारे मंदिर में स्थापित हुए गणपति बप्पा के। अरे इन्हें जाओ। हेलो दोस्तों, आज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता ही है कि गणेश चतुर्थी अभी निकल कर गई है, हर घर में गणेश जी विद्यमान है। आजकल बहुत सारे घरों में पूजा होती है और उनका तीनों टाइप का भोजन बनता है। तो आज हम बना रहे हैं साबुदाने की कुरकुरी चकली, जो बहुत ही इंस्टेंट है। आप इसको नॉर्मली भी ट्राई कर सकते हैं सादा मसाले के साथ, थोड़ा चटपटा बना के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से बॉइल्ड आलू, और ये है मेरे पास ऑलरेडी बड़ा वाला, सॉरी, ये है मेरे पास बड़ा वाला साबुदाना। आलू हमने ऑलरेडी बॉइल किए हुए हैं और साबुदाने को हम बस मिक्सी में लेकर पीस कर इसको चीनी जितना बारीक कर लेंगे, यानी बहुत ही दरदरा कर लेंगे। इसका हमने बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया है, बस इसको दरदरा किया है। इसको एक बार हाथ से हल्का सा हम चला लेंगे और फिर से इसको एक बार पीस लेंगे। तो इसको मैंने एक और बार पीस लिया है और ये थोड़ा चीनी जैसा बारीक हो चुका है, एकदम पाउडर फॉर्म में भी नहीं है और एकदम बारीक भी नहीं है। अब ये हमारे पास आलू है, इनको छीलकर हम तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 4 बड़े आलू ले रही हूँ। तो आलू को हमने छील लिया है और साबुदाने को हमने पीस लिया है। आलू को हम अच्छे से पहले मैश कर लेंगे हाथ से। अब हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ साबुदाना, जिसको अभी हमने पीसा था, और अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम। अभी हम व्रत वाला बना रहे हैं तो इसमें केवल हम काली मिर्च और सेंधा नमक यूज़ करेंगे। यदि आप जनरली बना रहे हैं तब आप इसमें थोड़े ज़्यादा मसाले डालकर इसको बना सकते हैं, जैसे सादा नमक, लाल मिर्च, हल्का सा गरम मसाला पाउडर, आमचूर का पाउडर। इसमें थोड़ी सी आप मूंगफली को भी हल्का सा दरदरा करके ऐड कर सकते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको एक रात पहले से साबुदाने को भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इसका जो टेस्ट है वो साबुदाने के बड़े जैसा बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि उसमें साबुदाना फूल कर गोल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। बट ये हम कचरी स्टाइल में बना रहे हैं तो इसमें साबुदाने का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट आता है। आप चाहें तो इसको कचरी स्टैंड में भी बना सकते हैं, जिसमें आप आलू की जो पिट्ठी है उसको फिल कर लीजिए। देखिए अभी हम इसको रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। तो ये पिट्ठी हमारी रेडी हो गई है, अभी इसको हमें छोड़ना है। जब तक ये हो रही है तब तक मैं और तैयारी कर देती हूँ, मैं लंच की तैयारी कर देती हूँ इसी टाइम पर। तो मोस्टली मैं यहाँ पर दाल चावल दाल कर तब तक मैं किचन का और एक्स्ट्रा काम निपटा देती हूँ, जैसे दाल चावल को भिगो कर रख देती हूँ, बर्तन लगा लेती हूँ, स्लेप साफ कर देती हूँ, छोटा मोटा और भी काम होता है जैसे कपड़े डालने हैं मशीन में या फिर कुछ और है, वो भी इतनी देर में हो जाएगा।
तो आधा घंटा हो गया है। इसमें मैंने मखाने भूनने के लिए रखे थे, कुछ दूध को बॉईल करने के लिए रखा था एक साइड, तो माइक्रोवेव में एक साइड मखाने भी भून गए हैं। अब मैं इनको दोबारा से रख रही हूँ माइक्रोवेव में। और ये देखिए हमारी पिट्ठी जो है ये एकदम बढ़िया सी रेडी हो गई है। तो हम पहले अपना घी गरम कर लेंगे। घी इसके लिए थोड़ा सा तेज़ ही गरम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप कचरी स्टैंड में भी बना सकते हैं या फिर आप हाथ से इस तरह से इसकी पतली पतली कचरियाँ तैयार कर सकते हैं, जैसा कि पहले के ज़माने में लोग किया करते थे। और हम इसको ज़्यादा स्लो फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, हम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे और इसको गोल्डन होने तक हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। और ये साबूदाना डाला है हमने इसमें, इसलिए ये इतनी क्रिस्पी और इतनी करारी हो जाती हैं। यदि आपको भी क्रिस्पी क्रिस्पी फिंगर्स खाना अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं इनको। ये देखिए, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आजकल विसर्जन होना स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं एक झलक विसर्जन।